बीकानेर नगर निगम की ओर से लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ऊपर बाजार पहुंची और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इस बाजार में दुकानों के आगे व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसे आम जनता की आवाजाही भी इससे प्रभावित हो रही थी। बीकानेर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की टीम कार्रवाई में जुटी है। दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीकानेर से हमारे संवाददाता केके सिंह। केके सिंह, नगर निगम द्वारा अतिक्रमण ध्वस्त किए जा रहे हैं, दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर की जो फड़ बाजार है, जो कि अति व्यस्तम बाजार है, वहां पर हमेशा ही ये शिकायत रही है कि जो भीड़ वहां पर जो रहती है, आवाजाही का रास्ता नहीं रहता, दुकान वालों का अतिक्रमण और वहां पे ठेले जो व्यवसायी हैं वो सभी वहीं पर खड़े रहते हैं, जाम लग जाता है। जाम लगने के कारण आम जनता परेशान रहती है। इसी सब को देखते हुए बीकानेर के जो कमिश्नर है संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और बीकानेर के जो नगर निगम के कमिश्नर है सिद्धार्थ पोलुचामी, इन लोगों के बराबर इसको देखरेख करते हुए नोटिस दिया पहले व्यापारियों को। उसके बाद काफी व्यापारियों ने अपनी दुकान के आगे का जो अतिक्रमण था उसे तोड़ लिया था। उसके बाद अब जो नहीं तोड़ा, जो चेतावनी के बाद भी आज उनका बुलडोजर और ये जेसीबी चल रही है, बराबर कार्रवाई जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीकानेर संवाददाता के।